की बार भाजपा कड़ी पार सफाचट। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है, खत्म कहानी। लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आ चुका है। इस बार एनडीए को बहुमत मिला है। हालांकि एनडीए की परफॉर्मेंस भी शानदार रही है। इन सबके बीच सेलेब्स उम्मीदवारों की बात करें तो लोकसभा चुनाव में बॉलीवुड से लेकर साउथ और भोजपुरी सिनेमा से कुल 15 सेलेब्स किस्मत आजमाने उतरे थे। इसमें से 11 सेलिब्रिटी ने जीत का परचम लहराया है। हालांकि बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल यानी एक्ट्रेस टर्न पॉलिटिशियन हेमा मालिनी को सबसे बड़ी जीत हासिल हुई है। चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि कौन सा सेलेब्स कितने वोटों के अंतर से जीता है। बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस और भाजपा सांसद हेमा मालिनी को लोकसभा चुनाव 2024 में बड़ी जीत हासिल हुई है। वह यूपी के मथुरा सीट से बीजेपी टिकट पर चुनावी मैदान में उतरी थी। हेमा मालिनी ने कांग्रेस के मुकेश धनकर को 29,3460 वोटों से हराया है। उनका यह तीसरा कार्यकाल है। हेमा मालिनी को 5,10,064 वोट हासिल हुए, जबकि कांग्रेस के मुकेश धनगर को 2,16,657 वोट मिले। हेमा मालिनी को 2,93,407 वोटों से भारी जीत मिली है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर अपनी राजनीतिक शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कांग्रेस पार्टी के विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ 74,755 वोटों से जीत हासिल की है। एक्ट्रेस ने मंडी के लोगों को धन्यवाद दिया और अपनी जीत का श्रेय नरेंद्र मोदी को दिया। कंगना रनौत को 5,37,022 वोट मिले हैं। कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह को 4,62,267 वोट मिले। कंगना की जीत का मार्जिन 64,755 वोट का रहा। दिग्गज एक्टर और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा को भी लोकसभा चुनाव में जीत हासिल हुई है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट पर भाजपा के सुरेंद्रजीत सिंह आलूवालिया को 59,564 वोटों से हराया। शत्रुघ्न सिन्हा को 6,05,645 मत हासिल हुए। वहीं कांग्रेस के एसएस आलूवालिया को 5,46,081 वोट मिले। शत्रुघ्न सिन्हा ने 59,564 मतों से जीत हासिल की है। भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन यूपी की गोरखपुर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार थे। उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 में जीत हासिल हुई है। उन्होंने समाजवादी पार्टी की काजल निषाद को हराया। रवि किशन को 5,85,834 वोट हासिल हुए। काजल निषाद को 4,82,308 वोट हासिल हुए। रवि किशन ने 1,03,526 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। भोजपुरी के दिग्गज स्टार और नेता मनोज तिवारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से तीसरी बार बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे थे। उनका मुकाबला कांग्रेस के बड़े उम्मीदवार कन्हैया कुमार से था। मनोज तिवारी ने कन्हैया कुमार को लोकसभा चुनाव 2024 में मात दी है। मनोज तिवारी को 8,24,451 वोट मिले थे। कन्हैया कुमार को 6,85,672 वोट मिले थे। मनोज तिवारी ने कांग्रेस के कन्हैया कुमार को 1,38,778 वोटों के अंतर से हराया है। एक्टर टर्न पॉलिटिशियन सुरेश गोपी ने मंगलवार को केरल के भाजपा का पहला निर्वाचित सांसद देकर इतिहास रच दिया। त्रिशूर से चुनाव लड़ने वाले एक्टर ने निकटतम प्रतिद्वंदी और वामपंथी उम्मीदवार वीएस सुनील कुमार के खिलाफ 74,686 वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की। बंगाली एक्ट्रेस आयोनी घोष ने भी लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। उन्होंने पश्चिम बंदास के जादवपुर से चुनाव लड़ा था और यहां एक्ट्रेस ने बीजेपी के उम्मीदवार अनिबान गांगली को शिकस्त दी। सायनी घोष को 7,17,899 वोट हासिल हुए। अनिबान गांगली को 4,59,698 वोट मिले। सायनी घोष ने 2,68,201 मतों के मार्जिन से जीत हासिल की है। बंगाली एक्ट्रेस रचना बैनर्जी को लोकसभा चुनाव 2024 में जीत मिली है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की हुगली सीट पर जीत का पताका फहराई। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार रचना बैनर्जी ने बीजेपी की लॉकेट चैटर्जी को मात दी है। रचना बैनर्जी को 7,02,744 वोट मिले। लॉकेट चैटर्जी को 6,25,891 मत हासिल हुए थे।
रचना बैनर्जी ने 76,853 वोटों से जीत हासिल की है। टीवी के राम यानी अरुण गोविल को लोकसभा चुनाव 2024 में जीत मिली है। अरुण गोविल यूपी के मेरठ सीट से बीजेपी उम्मीदवार थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुनीता वर्मा को हराया है। अरुण गोविल को 5,46,469 वोट हासिल हुए। सुनीता वर्मा को 5,35,884 वोट मिले। अरुण गोविल ने 10,585 वोटों से जीत हासिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट्स, नवभारत टाइम्स।